हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम हमारी दुनिया कक्षा 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। अध्याय 16, वायु परिवहन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, विमान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उड़ने वाली एक ऐसी मशीन जिसके पंख होते हैं उसे विमान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ग्लाइडर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक ऐसा विमान जिसमें इंजन नहीं होता है, ये अपने बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक या दो व्यक्तियों को ले जा सकते हैं, तो इन्हें ग्लाइडर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। हेलीकॉप्टर हवा में उठाने के लिए ये बड़ी तेजी से घूमते हैं। ये कहीं भी खुली जगह पर उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, अंतरिक्ष केंद्र क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अंतरिक्ष केंद्र एक विशाल उपग्रह की तरह होता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक कई महीनों तक रह सकते हैं। पांचवा, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह हैं? तो यहाँ आपको लिखना है कि अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अंतरिक्ष में दो प्रकार के उपग्रह हैं। पहला प्राकृतिक, जैसे कि चंद्रमा, और दूसरा वैकल्पिक, जैसे कि मानव निर्मित उपग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, पहले विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ऑरविल और विल्बर राइट। दूसरा, पहले अटलांटिक महासागर को एकल उड़ान में पार करने वाला? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीसरा, दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान? तो यहाँ लिखेंगे, कॉनकॉर्ड विमान। चौथा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रूस का स्पुतनिक यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लाइका नाम का कुत्ता। छठा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यूरी गागरिन रूस के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रूस की वैलेंटिना टेरेस्कोवा। आठवा, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति? तो यहाँ लिखेंगे, राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवा, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला? तो यहाँ लिखेंगे, कल्पना चावला। दसवा, चांद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति? तो इसका उत्तर लिखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन, खाली स्थान भरो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला, आधुनिक विमानों में तेज गति से उड़ने में सहायक डैश इंजन लगे होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, शक्तिशाली। दूसरा, डैश जैसे विमान का इंजन नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे, ग्लाइडर। तीसरा, हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर डैश लगे होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, पंख। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, संसार के तीव्रतम विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण डैश और डैश ने मिलकर किया है, तो यहाँ लिखेंगे, पहले खाली स्थान में फ्रांस और दूसरे में ब्रिटेन। संसार के तीव्रतम विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर किया। पांचवा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक डैश है, तो यहाँ लिखेंगे, उपग्रह। छठा, पृथ्वी एक डैश है, तो यहाँ लिखेंगे, ग्रह। पृथ्वी एक ग्रह है। सातवा, टेलीविजन व टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रह को डैश उपग्रह कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां, भारत ने 1998 में अपना पहला उपग्रह डैश भेजा था, तो यहाँ लिखेंगे, इनसेट 1B। नौवां, पैराशूट का पहला प्रयोग
डैश देश के व्यक्ति ने किया था, तो यहाँ लिखेंगे फ्रांस। दसवां, आधुनिक पैरासेल डैश के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से पतंग की तरह बने होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम। आधुनिक पैरासेल एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से पतंग की तरह बने होते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।